बच्चों सामने लक्ष्य 192 का शाहीन रोहित को शुरुआत फ्लिक के साथ चौके के साथ शुरुआत। ये तो वीरेंद्र सहवाग वाली स्टार्ट मिल गई। तो देखिए जरा आप, ये जिस स्टेडियम में ये वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इस स्टेडियम को आप देखो क्या लुक दे रहा है। ये ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कौन सा इंटरनेशनल स्टेडियम है, हालांकि अब यही इंटरनेशनल स्टेडियम है इंडिया का। मतलब अब देखो क्या लुक दे रहा है भाई। तबीयत खराब है, सोचा था सैटरडे सेलिब्रेट करेंगे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच देखेंगे, फारू व्लॉग बनाएंगे। फ्राइडे से ही तबीयत खराब है, दोनों मियां बीवी की तबीयत खराब हो गई भाई। एक को फीवर है, एक को सर्दी है, जुखाम है, खांसी है। रुकेंगे नहीं, हम लोग व्लॉग बनाएंगे, इसी नासास तबीयत के साथ व्लॉग बनाएंगे। दो मिनट में टॉस शुरू होने वाला है, टॉस। आइए देखते हैं टॉस। तो चलिए अब चलते हैं, देखते हैं टॉस, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 का। देखते हैं इस बार टॉस रोहित शर्मा जीतेंगे कि नहीं, क्योंकि लास्ट दो बार से तो भैया हार ही रहे हैं, लेकिन मैच जीत रहे हैं। Biggest stadium in the world, India versus Pakistan, full house, can't get bigger than this. Yeah, it cannot get bigger than this, no doubt about it. रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में इंडिया पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में पहली बार भिड़ेगी, और इस बार जहां पे मैच हो रहा है वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। 110,000 से भी ज्यादा लोग आज ग्राउंड में आएंगे भाई मैच देखने। वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। इससे ज्यादा स्पेक्टेटर्स आज तक किसी भी क्रिकेट का मैच देखने नहीं गए हैं। 110,000, कोई भी स्टेडियम में इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि इतने लोगों को इकट्ठा कर पाए, लेकिन इंडिया में अहमदाबाद में आज वो होगा। और देखो हम घर पे हैं। अब होने जा रहा है नेशनल एंथम, दोनों देशों का नेशनल एंथम बजेगा, उसके बाद पाकिस्तान के ओपनर्स पिच पे उतरेंगे और बूम बूम बुमराह पहला ओवर डालेगा। पहले ओवर में पहला विकेट ले लेना, मजा आ जाएगा यार। पहला विकेट ले और आउट करे यार ओपनर को, जो भी अशफाक अब्दुल्ला है उसको आउट कर दे, बस आउट कर दे, बस बुमराह आउट कर दे यार, पहले ओवर में आउट कर दे। देख तबियत खराब है, एक बीमार आदमी की दुआ लगेगी, तू आउट कर दे बस एक पाकिस्तान प्लेयर को, आउट कर दे भाई, आउट कर दे बुमराह। खुशखबरी ये है कि शुभमन गिल टीम में वापस आ चुके हैं, लेकिन ईशान किशन बाहर है, तो किसी के लिए खुशखबरी है, किसी के लिए दुख, किसी के लिए दुख खबरी है। तो ईशान किशन इंडिया जीतेगी, सेकेंड हाफ में चेस करेगी, और कोई एक प्लेयर इन दोनों में से सेंचुरी तो मारेगा ही मारेगा। तो देखते हैं, अब पाकिस्तान पहली गेंद खेलने जा रही है। अलमारी में सबसे ऊपर यही टी शर्ट, यही शर्ट रखी थी तो इसलिए पहन लिया। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ब्लू पहनूंगा या ग्रीन पहनूंगा, सबसे ऊपर रखी थी, बस एनर्जी बचाई क्योंकि तबीयत खराब थी। अनुलोम विलोम भी नहीं कर सकता आज तो मैं थोड़ा सा। तो चलिए आप और हम सब मिल के देखते हैं आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और सपोर्ट करते हैं इंडिया को, ब्लीड ब्लू, चीयर फॉर टीम इंडिया। और अभी जैसे कि बॉलिंग शुरू होने वाली है, बुमराह रन अप अपना मार्क कर रहा है, पहली बॉल डालेगा। जैसे कि मैंने बोला था पहले ओवर में पहला विकेट गिर जाए पाकिस्तान का पहिया, एकदम दिल जशन जशन बोलने लगेगा, जशन जशन। तो अब लास्ट बॉल फेंकने जा रहा है बुमराह, देखते हैं क्या वो आज मेरा सपना पूरा करता है कि ना। मेरा दिल कह रहा है कि लास्ट बॉल पे विकेट लेगा, एक ओवर में पहला विकेट तो लेगा। चार रन चला गया ये तो, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट ओवर में लेगा। बी पॉजिटिव, बुमराह है बी से। रन बहुत ही अच्छे से बन रहा है पाकिस्तान का, और दोनों ही ओपनर एकदम बराबरी का रन। ओ आउट, और मियां भाई का मैजिक,
एक और मियां भाई आउट, लगता है डीआरएस लेगा, एलबीडब्ल्यू डीआरएस लेगा। अधिक पांड्या अच्छी वापसी, चौका खाया था पहले, कट करा के बहुत ही अच्छा कैच केएल राहुल का, और दूसरा विकेट गिर चुका है। आठ और इंडिया, आठ और दो गए, आठ और। कप्तान साहब पवेलियन जाते हुए, पिछले मैच में इस बल्लेबाज ने सेंचुरी मारी थी और ये हमेशा इंडिया के खिलाफ परफॉर्म करता है, और इस बार बूम बूम बुमराह ने इसका काम तमाम कर दिया। रिजवान भाई गो बैक टू पवेलियन, अच्छा खेले आप, अपनी टीम में जितने प्लेयर उनसे तो अच्छा ही खेले आप, चलिए लेकिन आप घर जाइए। छह विकेट गिर गया भाई, ये तो इनका भी वही ऑस्ट्रेलिया वाला हाल हो रहा है, ये अच्छी पार्टनरशिप की मिडिल ओवर में और अब 30 ओवर के बाद ढाए, चलिए हैदराबाद जाइए बिरयानी खाइए। पांच विकेट गिर गए, पांच विकेट, पाकिस्तान की आधी बैटिंग लाइनअप पवेलियन जा चुकी है। छह विकेट गिर गया बाबू 168 पे, पाकिस्तान धीरे धीरे काम तमाम हो रहा है। अच्छा है तुम ग्रीन पहना करो पाकिस्तान के मैच में जब इंडिया। ग्रीन कलर का कपड़ा पहनियो पाकिस्तान को सपोर्ट, आप खुद ग्रीन पहने हो, हम तुमको सपोर्ट करने के लिए ग्रीन पहने हैं। मैं तो इसलिए पहन ली कि मुझे कुछ मिल नहीं रहा था लूज। कोई बात नहीं, आज तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम्हारी शक्तियां ज्यादा प्रबल नहीं होंगी, तुम्हारी शक्तियां ज्यादा तेज नहीं होंगी तो इंडिया पे असर नहीं होगा, तो इंडिया जीत जाएगी आज। चलो अच्छी बात है, आज भर और तबीयत खराब, कल ठीक हो जाना। ठीक, कल इंडिया का मैच है नहीं, आज अपनी शक्तियों का इस्तेमाल मत होने दो। अंडी मंडी संडी जो रोया उसकी जाओ, इसे चिपकने से सही थोड़ी हो जाएगा, जाओ लेटो, रजाई उड़ के लेटो, चलो रो मत, आंसू तो बह नहीं रहा, कैसा रो रही हो? अच्छा बहा दी, प्रूफ कर दी भाई, तुम प्रूफ कर दी। तो दोनों ही भाभियां स्टेडियम पे है, तो कैसे नहीं दोनों छोरे हमारे मैच खेलेंगे यार, गजब का। शायद रोहित शर्मा पाकिस्तान के अगेंस्ट वर्ल्ड कप में अब लास्ट बार खेलेगा, 36 ईयर ऑलरेडी हो गए, तो आज हम चाहेंगे कि रोहित शर्मा एक अच्छी इनिंग खेले, फाड़ू इनिंग खेले और पाकिस्तान की पूरी बॉलिंग लाइनअप को धूल चटा दे। और शुभमन गिल तो है ही, वो तो अपना पहला मैच खेल रहा वर्ल्ड कप का, इस उसका वर्ल्ड कप का ही करियर का पहला मैच है, तो देखते हैं शुभमन गिल कैसे अपना डेब्यू करता है वर्ल्ड कप में। अब इंडिया की बैटिंग शुरू होने वाली है, तो बिल्कुल भी अब मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मैं बस मैच देखूंगा भाई, सबसे मैच। आप तो बोले कोहली, सॉरी कोहली आउट हुआ है। रोहित शर्मा है अभी, शर्मा जी है, शर्मा जी बता रहे थे उनका लड़का बहुत तेज है, अच्छा खेलेगा, आज खेल रहा, अच्छा पूरे इनिंग में उसी का रन ही है और कोई रन ही नहीं बनाया है। उस दिन भी वही खेले थे शर्मा जी, दोनों मैच में खेले, देखिए शर्मा जी फिर खेल रहे। जैसे पाकिस्तान की टीम को जब रोहित शर्मा ठोक ठोक के बॉल हर बॉलर की बॉल पे मार रहा है ना, तो बॉल का मुंह ऐसे ही हो जाता है, रोहित शर्मा जब ठोकता है तो बॉल का मुंह ऐसे ही हो जाता है। हाँ मेरे हाथों पे खास दो, यहाँ तुम्हारा खाना खत्म होने वाला है और यहाँ वेस्ट इंडिया को चार रन चाहिए जीत के लिए, यहाँ मैच भी खत्म होने वाला है, क्यों क्या लगता है खत्म होने वाला है क्या? और ये देखो खत्म टाटा, आज तुम जिस टीम को सपोर्ट कर रही थी वो टीम हार गई। हम किस सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान को, हार गई तुम्हारी टीम। तुम्हारा फेवरेट बाबर आजम है ना, अच्छी है, अच्छा लगता ना तुमको बाबर आजम? नहीं, मेरे को कोहली अच्छा लगता। कौन बोली? कोहली अच्छा लगता, पर आज तो अय्यर मारा 50, जो भी हो अय्यर का नाम लेने पर अय्यर की शक्तियां बढ़ जाती है, पता है कि नहीं?
हम्म,